अब हो गया है, आप अंदर आ सकते हैं। मुझे तुम पे नाज है, पांच बच्चे एक ही बारी में, ये तो कुछ नए विक्रम जैसा है। अब जाइए और मेरे लिए खाना ले आइए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। ओ, मैं अभी लेके आता हूं। लगता है जग्गू और उसके परिवार ने अच्छा खाना खाया है, गहरी नींद सो रहे हैं। हे, क्या वजह है जिसके कारण यह अजीब सा महसूस हो रहा है? मुझे देखना ही चाहिए। हे भगवान, ये तो वही लोग हैं। क्या वो हमें शांति से जीने नहीं देंगे? शिकार की तलाश कर रहे हैं। मारने में उन्हें क्या मजा आता है, ये तो मेरी समझ के बाहर है। मुझे जग्गू को जाके बताना चाहिए, नहीं तो वो सब पकड़े जाएंगे। जग्गू, उठो उठो जग्गू, उठो जग्गू, जग्गू उठो, अरे उठो जग्गू, जग्गू उठो, उठो उठो जग्गू उठो। चुप हो जाओ ब्लैकी, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? क्या हम शांति से सो भी नहीं सकते? जग्गू, वहां से बहुत सारे लोग जंगल में बंदूक लेके आ रहे हैं, वो इसी तरफ आ रहे हैं। अपने परिवार को खतरे से बचाओ, चलो जल्दी करो। हे भगवान, उठो उठो तुम सब, हमें जल्दी से चलना है। चलो उठो, चलो हमें सुरक्षित जगह पहुंचना है। ब्लैकी, पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, तुमने मेरे पूरे परिवार को बचाया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। ओह, वो सब ठीक है, ये तो मेरा कर्तव्य था। हे, मेरे पत्नी ने पांच अंडे दिए हैं, जल्द ही मैं पांच सुंदर बच्चों का पिता बनने वाला हूँ। हे, बहुत खूब, मेरी शुभकामनाएं देना उसे, उसे तुम्हें खाने पे मेरे घर ले आना होगा आज ही शाम को। हाँ जरूर ले आऊंगा मैं, लेकिन अब जल्दी करो, वो यहाँ तक पहुँचे होंगे। जाओ 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 जल्दी। क्या हुआ, सब अंडे फूट कैसे गए? ये सब नागू का काम है, वही मेरे बच्चे खा गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ओ, वो जंगली सांप, उसने क्यों किया? मैं तो उसे सबक सिखाऊंगा, मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे कभी भी। भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम लाचार हैं। तुम देखना, मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने तो खुद की जान को खतरे में डाल दिया है। ब्लैकी, ब्लैकी, मैं हूँ जग्गू। कल क्या हो गया ब्लैकी? तुम तो घर पर खाने पर आने वाले थे ना, मेरी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही थी।
वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। हे क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? बताओ ना ब्लैकी, बताओ ना मुझे। कल मैंने मेरे सब बच्चे खो दिए। क्या, पर कैसे? वो सब नागू का काम है जो सांप इस पेड़ के नीचे रहता है। वो मेरे सारे अंडे फोड़ के खा गया। मेरी बीवी तो होश खो चुकी है। जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन ब्लैकी ये सब हुआ कब? तब जब मैं उसके लिए खाना लाने गया था। मैं रास्ते में तुमसे मिला और जब मैं वापस आया तब सब खत्म हुआ था। तुमने मेरे परिवार को बचाया पर बदले में अपना परिवार खो दिया। ओह, ये सब मेरी गलती है। अरे पागल मत बनो जग्गू, अगर मैं यहाँ भी होता तो कुछ नहीं कर पाता। वो तो मेरी आँखों के सामने मेरे बच्चों को खा चुका होता। ओ, अब मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो। तुम तो पूरे जंगल में होशियार हो। मुझे बदला लेना है, मुझे उससे बदला लेने का कोई तरीका बताओ। मैं करूँगा चाहे मेरी जान चली जाए। मैं जरूर मेरा दिमाग चलाऊंगा और इसका हल ढूंढ निकालूंगा। कल मुझे मेरे घर पर मिलना, मैं कुछ तरकीब सोच के रखूंगा। ठीक है, मैं सुबह होने से पहले ही पहुंच जाऊंगा। ब्लैकी, मेरे दोस्त, मुझे बदला लेने का रास्ता मिल गया। जग्गू, जग्गू, हम इधर हैं। आपका स्वागत है दोस्तों। जग्गू, क्या तुमने कुछ सोचा है? तुम जंगल के सबसे होशियार जानवर से बात कर रहे हो? हाँ जरूर, मैंने तरकीब सोची है। बस हमें सही वक्त पर कुछ काम करने होंगे। मैं सब कुछ करूंगी जब तक वो नागू मर नहीं जाता। मैं जानता हूं, लेकिन सब कुछ सफाई से होना चाहिए। अब एक सवाल, वो सांप अपने बिल से बाहर कब निकलता है? नहीं, इसका जवाब मुश्किल है। सब कुछ उसी पर अवलंबित है। क्या वो दोपहर को अपने बिल में रहेगा? हो सकता है, उस वक्त वो सोता है। वाह, ये हुई ना बात। अब ठीक से सुनो, यही वक्त है।
अपना काम शुरू करो। वो मेरा हार है, हे भगवान, महाराज ने जन्मदिन पर दिया था, कोई उसे वापस ले आओ। हे भगवान, अगर उसने गिरा दिया तो मैं हमेशा के लिए उसे खो दूंगी, कुछ कीजिए। रक्षको, रक्षको, वो उड़ रहा है, जाओ और मेरा हार वापस ले आओ, नहीं तो तुम्हारे सिर कटवा दूंगी, जाओ। कौवे ने हार क्यों चुराया होगा? उसकी पत्नी को तोहफा देने के लिए। बेवकूफ, अपनी ऊर्जा बेवकूफ सवालों में मत खर्च करो, अपनी गर्दन बचाओ। अगर हम हार वापस नहीं ले आए तो जान खो देंगे, समझे? कितना दूर जाना होगा? जंगल घना हो रहा है, अगर किसी दुष्ट जानवर ने हमला कर दिया तो हम तो मारे जाएंगे। मुझे तुम्हारी सकारात्मक भूमिका अच्छी लगी। मुझे भी अच्छी लगी। अब चुप बैठो, अब कहां जा रहा है ये मूर्ख कौवा? अरे 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 अरे, देखो वो नीचे आ रहा है। वाह, बहुत खूब, सब कुछ सही ढंग से हो रहा है। अब आगे आगे देखो क्या होता है। और जरूर इस बिल में ही होगा। वाह, क्या सोच है तुम्हारी, तुम्हें लगता है हम अंधे हैं? मुझे नेकलेस दिखाई नहीं दे रहा, लगता है बहुत नीचे चला गया है। क्या मैं हाथ डालकर उसे निकाल लूं? हाँ, तुम्हारा स्वागत है। मुझे पता है वहाँ सांप जरूर होगा, वो तुम्हें काट देगा और मैं तुमसे छुटकारा पाऊंगा। क्या सांप के बिल में? बिल्कुल सही कहा। अब लाओ दो लकड़ी, मुझे दो। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया मेरे दोस्त। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ओह, लेकिन अगर तुम नहीं होते तो हम बदला ही नहीं ले पाते, तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। अब हम दोनों यहाँ से अलग शुरुआत करना चाहते हैं। तुमने मेरा परिवार बचाया लेकिन मैं तुम्हारा नहीं बचा पाया, मैंने ये छोटा काम कर दिया। लेकिन अब तुम दोनों को पिछली जिंदगी भूल के आगे उज्जवल तेजस्वी भविष्य देखना होगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम 5 बच्चों को जन्म देकर खुशी से रहोगे। शुभ दिन हो मेरे दोस्त, और शाम को खाने पर मैं तुम्हारी राह देखूंगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे। ओहो, मेरी प्यारी पत्नी। साल पहले एक रामू नाम का लकड़ी तोड़ने वाला था। उसकी हेमा नाम की एक पत्नी थी और 2 छोटे बच्चे। हर रोज सुबह रामू उसके नजदीकी जंगल में जाता था और दिन भर लकड़ियां तोड़ा करता था। दोपहर के वक्त वो उसके भोजन का कुछ हिस्सा एक पालतू कुत्ते को भी देता था। शाम को काटी हुई लकड़ियां इकट्ठा बांध के वो उन्हें शहर में ले जाता था। रास्ते में वो कुछ फल तोड़ता था और वो सारे एक साधु को देता था जो जंगल में रहते थे, और उनसे शुभकामनाएं लेता था। उसके बाद वो लकड़ियां बेचने के लिए शहर में जाता था।
बहुत ही कष्ट लेके काम करने की वजह से वो और उसका परिवार बहुत ही बुरी हालात में जिंदगी जी रहे थे। बहुत मेहनत से वो कमाता था। क्या सिर्फ 50 रुपए? मस्तान भाई, आज मुझे 100 रुपयों की जरूरत है, मेहरबानी करके मदद कीजिए। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ दान धर्म के लिए बैठा हूँ? तुम्हारी लकड़ियाँ देखकर मैंने पैसे दिए हैं। और लकड़ियाँ लाओ और ज्यादा पैसे ले जाओ। कल मुझे किसी भी हालत में आज से भी दुगनी लकड़ियाँ तोड़नी पड़ेंगी, वरना हम महीने के अंत तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। हाय, कैसी है ये जिंदगी। रामू, तुमने और कुछ पैसे नहीं दिए तो मैं घर का खर्चा कैसे संभालूंगी? दिन भर तुम घर के बाहर रहते हो, तुम्हें नहीं पता मैं कैसे मुंह दिखाती हूँ सबको, दुकानदार, दूध वाला और कई सारे। तुम्हें सचमुच कुछ करना पड़ेगा ज्यादा पैसे कमाने के लिए। मैं समझ सकता हूँ, बस कुछ दिन और सह लो, मैं जरूर रास्ता ढूंढ निकालूंगा बेहतर जिंदगी के लिए। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? सरकार ने जंगलों से लकड़ियां तोड़ना भी अब मना कर दिया है। रामू, आज हमें कुछ पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, वरना हम सब भूखे रह जाएंगे। अगर तुम हमें खिलाने के लिए पैसा नहीं कमा सकते तो कम से कम हमें जहर पिलाने के लिए तो पैसा कमाओ। हम सब वो पी के मर जाएंगे, ये ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि हम सब मर जाएं। भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो हेमा, मैं जरूर रास्ता ढूंढ निकालूंगा, कुछ तो होगा जो मैं कर सकूंगा। मुझे फिर से गाँव में जाके कोशिश करनी चाहिए। हे साधु महाराज, मैं हर रोज आपके लिए फल लाया करता था, लेकिन आज मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूं। माफ कीजिए मुझे, लेकिन सचमुच बुरी हालत में हूं और कमजोर भी, मेरा परिवार भी पाल नहीं सकता हूं मैं। रामू, मैं तुम्हें एक जादू की मुर्गी दूंगा जो तुम्हारी समस्या दूर कर देगी, जो तुम्हें रोज एक छोटा सा सोने का अंडा देगी, जिसे बेचकर तुम तुम्हारे परिवार को पाल सकते हो। अच्छा ख्याल रखना उस मुर्गी का, वो तुम्हें हमेशा मदद ही करेगी। हेमा, ये मुर्गी रात के भोजन के लिए नहीं है, ये तो एक जादू की मुर्गी है जो रोज हमें एक सोने का अंडा देगी। साधु महाराज ने दी है हमें। तुम बको मत, मुर्गी क्या कभी सोने का अंडा दे सकती है? साधु ने जरूर तुम्हारा मजाक उड़ाया होगा। दे दो वो मुर्गी मुझे, वैसे भी बहुत दिन हुए हैं मुर्गी का मांस खाके। नहीं हेमा, कल सवेरे तक इंतजार करेंगे, अगर मुर्गी ने अंडा नहीं दिया तो हम इसे दोपहर में खा जाएंगे। वो मुर्गी हर रोज सोने का अंडा देती रही जिस प्रकार उस साधु ने कहा था, और जल्दी ही रामू अमीर बन गया। रामू, मुझे जमींदारों से भी बड़ा घर बनाना है। लेकिन हेमा, इतना पैसा हम लाएंगे कहां से? मुर्गी जो हमें अंडा देती है उससे इतने पैसे नहीं मिलते हैं हमें। ऐसे कैसे मूर्खपति हो तुम?
अगर हर रोज की राह देखेंगे तो शायद नहीं, लेकिन अगर हम सभी अंडे बाहर निकाल सकेंगे उस मुर्गी के पेट से एक ही साथ, तो फिर हम पूरी जिंदगी अमीरी में गुजारेंगे। बढ़िया सोचा है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया पहले? अभी काट कर खोल के देखेंगे। हे भगवान, अंडे नहीं, ऐसे कैसे हुआ? कैसे हुआ? वो मुर्गी मरने के कारण रामू फिर से लौट गया उसके पुराने हालात में। तुम्हें पालने वाले हाथ ही तुमने खो दिए हैं, अब मुश्किल है। तुम्हारी लालच ही इसके लिए जिम्मेदार है। शायद अब तुमने सीख ले ली है। जाओ, निकल जाओ। तुम्हारी मुश्किल हल करने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अल्ट्रो किड्स जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड्स जोन।